वेलकम बैक। पेट्रोल पे बात करना महंगा हो गया है, इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद सम रियली चीप जोक्स। अमेरिका में साइंटिस्ट ने एक ऐसी ब्रा तैयार की है जिसे पहनने वाली महिलाओं को हार्ट अटैक आए इससे पहले ही डॉक्टर्स को अपने आप इसका पता चल जाता और वो उस औरत के पास एम्बुलेंस भेज दे। बेसिकली हार्ट बीट तेज होने पर ब्रा जो है वो एम्बुलेंस बुला लेता। हाँ, ऐसे ये ब्रा सती सावित्री के लिए ही बनी है। उन्हें पता चला बॉयफ्रेंड ने सिर्फ किस किया कि एम्बुलेंस दौड़ता हुआ चला। तो सविता के घर के बाहर तो एम्बुलेंस खड़ा ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं वहाँ। खैर, शाहिद कपूर ने कहा है कि ही हैज़ नाउ स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग वुमन। एक्चुअली वी डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज इन हिज ग्रामर दिस सेंटेंस कुड मीन लिटरली एनीथिंग। इस साल मुझे लगता है कि आमिर खान विल डेफिनेटली विन ऑल द अवार्ड्स एंड द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज ब्रिलियंट एक्टिंग इन सत्यमेव जयते। क्या परफेक्ट एक्टिंग, सुपर सुपर। आई थिंक दिस शो हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग द ऑस्कर देन लगान। अच्छा चल, एमी से ऑस्कर टीवी शो के लिए कहां देते हैं वो। केरला सरकार ने पान मसाला पर बैन लगा दिया है। यस, टोबैको के बुरे असर के कारण नहीं, बिलीव इट और नॉट, केरला से नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। क्या दिमाग लगाया यार, है राज भाई, राज भाई तुम भी मुंबई में ये ट्राई कर सकते हो। सच कह रहा हूं मैं। फाइनली जिसका डर था वो हो ही गया, एनडी तिवारी ने डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड दे ही दिया। पता नहीं इस दुर्घटना के बारे में सुनते ही मुझे वो अमर अकबर एंथनी का सीन क्यों याद आ रहा है। इमेजिन एनडी तिवारी लाइंग ऑन अ बेड, उनके बॉडी से खून निकल के जा रहा है पूरे दिल्ली के बास्टर्ड्स के बाहों में। एक्चुअली द इमेज इज नॉट सो इनोसेंट एंड इट्स नॉट रियली ब्लड फ्लोइंग इनटू ऑल दीज पुअर बास्टर्ड्स। पर अब हम और कितना गिरे तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। इस डीएनए सैंपल के कारण टैटू वालों का बिजनेस जोर पकड़ने वाला है। ऑल द बास्टर्ड्स इन दिल्ली विल नाउ गेट अ टैटू, मेरा बाप तिवारी। मूविंग ऑन फ्रॉम चीप टू एक्सपेंसिव थिंग्स, हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। हमें काफ़ी सारे ट्वीट से पता चला कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए ये ट्वीट्स क्या कह रहे हैं। ये अभिजीत मुजुमदार ने ट्वीट किया है, पेट्रोल के दाम बढ़ने में समाजवादी पार्टी का हाथ है, जिसे लोग साइकिल की तरफ आए। हमारा कहना है मायावती का भी हाथ हो सकता है, आखिर हाथी भी बिना पेट्रोल के चलता है। नंबर टू, जेड वरुण ने कहा है कि मास्टर जी आम आदमी की पॉकेट एक बिलांग छोटी कर दो। हमारा कहना है पॉकेट ही मत रखो ना साला, ना पॉकेट रहोगी ना पैसे, हाँ तो डाका किस पर डालेगा। नंबर थ्री, बट द बेस्ट वन इज फ्रॉम पीएमओ इंडिया। हाँ जी, उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत में पेट्रोल भी ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल लेंगे भाई, सरकारी गाड़ियां भी पेट्रोल पे ही चलती है, जिसमें पेट्रोल डालने के लिए सरकार के पास खुद पैसे नहीं। हाँ तो पेट्रोल की बात चली है तो जैसा प्रॉमिस किया था, बुलाते हैं आम आदमी को और सुलगाते हैं पेट्रोल की तीली। आ जाओ भाई मैंगो मैन, कम हियर। आम आदमी जी ये रस्सी लेकर, मतलब आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। हेलो। देख यार ये रस्सी बड़े काम की चीज है, आजकल हम अपना स्कूटर ना उधर से बांधते थे, इसे पकड़ के इसी से खींचते रहते हैं। और फिर देखो जब पेट्रोल ना 150 रुपए लीटर पहुंच जाएगा ना, तो आम आदमी इसी से फंदा लगा के फांसी लगाने के भी काम आएगा। जी सर, आप मैं मतलब क्या बोलूं मैं। नहीं नहीं, अब तुम कुछ मत बोलो, अब हम बताते हैं। अच्छा, जानते हैं ये पेट्रोल का दाम बढ़ने से हमको क्या फायदा हुआ है। फायदा फायदा हुआ है। अच्छा। हमारी बिटिया की शादी हो गई आराम से। हाँ। कैसे मतलब। वो क्या है कि हम अपना लटका हुआ फेस लटका करके ना एकदम आम आदमी की जैसे लड़के वालों के पास गए जी। हमें बाबूजी दहेज में कौन सी गाड़ी दे,
लड़के का बाप हमसे ज्यादा मुंह लटका के बोला, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी मत दो, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर में गिर गए मेरे। कहने लगे गाड़ी तो दे दोगे, ये जिंदगी भर पेट्रोल थोड़ी दोगे, वैसे भी रस्सी से जिंदगी चल रही है, उनकी भी रस्सी से जिंदगी चल रही है। हमको आजकल इतना आनंद आया ना, पूछो मत कि सुमित क्या बताएगा। तो मतलब आम आदमी जो है वो महंगाई से खुश है? नहीं नहीं, और नहीं तो क्या भाई, अब हमारा देश पूरी तरह से नंगा हो चुका है, अब कोई पर्दा नहीं है। हम तो सोच रहे हैं ना कि कुछ दिन में सब कुछ उतार दे। अच्छा, बस उसकी जगह खाली ये रस्सी जो है अपना लटका के प्लीज गाइस डोंट लाफ यार, ऐसा मत करो। आम आदमी, आप क्या कर रहे हैं, लंगोट बांध रहे हैं उसके? आप अपने जो है जज्बात पर काबू रखें प्लीज, आप निराश मत होइए प्लीज। हम निराश थोड़े हैं भाई, निराश होने की क्या जरूरत है। ये देखो एक ऐसी चीज है जो 30 रुपए में मिलती है इस महंगाई में भी। ये क्या, सूखा हुआ पुदीना? हाँ, ये साथ में रोल करने या घोड़े की लीद है? गांजा, गांजा। अरे आप क्या कर रहे हो, ये क्या गांजा वांजा लेकर आ गए? एक मिनट इसको निकालते हैं, इसमें लगा के ना, मस्त। मेरा तो सुझाव ये है कि सरकार एक योजना चलाया करे, नेशनल गांजा गारंटी एक्ट, 100 दिन के लिए सबको गांजा मिलेगा। ये मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, I love my इंडिया। इनको लेकर जाओ भाई, अरे कोई नहीं, चलो हम लेकर। my इंडिया, I love my इंडिया, वतन मेरा इंडिया। अब तुम्हारी भैंस का अब इंडिया। I'm speechless again. चलिए आगे की खबर सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि अरे सुमित, आजकल ये मीडिया में सब मेरे बारे में क्या उल्टा पुल्टा और गंडगोल सब लिखता है, बोलता है कि हम लाइव इंटरव्यू से उठकर चला गया। ए सब मिथ्या कथा सुमित, प्योर लाइज। देखो तुम मेरा इंटरव्यू करो, यू विल सी, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, मैं तुमको कितना अच्छा से बात करेगा। ओके ओके ओके, अभी तो ब्रेक का टाइम हो गया है दीदी, विद योर परमिशन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद करेंगे इंटरव्यू ममता दीदी के साथ। श्योर ना दीदी? आप उठ के तो नहीं जाएंगे ना? नो नो, आई एम हैप्पी नाउ, शाहरुख आईपीएल जीत गया, हम खुश। ए ए बाजा